I am a senior customs officer with Canada Border Services Agency. So in 1989, main Sikh community vichon pehli Sikh female sigi jehdi RCMP de vich join kita siga. 19 years sigi I got married. 2007 de vich mere naal ek bahut vadda hadsa ho gaya. हेलो जी सारे सत श्री अकाल मेरा नाम है सैंडी चट्ठा अज मैं तुम अपनी लाइफ जर्नी ते लेके जाना चाहनी हाँ आई एम अ सीनियर कस्टम्स ऑफिसर विद कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी मेरा जेड़ा मेन करियर आ और लॉ एनफोर्समेंट दे रहा है एंड ये नाल नाल मैं अपना एक बिजनेस भी हैंडल करती हाँ आई ओवरसी द ऑपरेशंस ऑफ ए होटल आई एम द VP एंड CFO ऑफ दैट ऑपरेशन Along with that, मैं लाइफ इंश्योरेंस का भी काम कर लैनी हूँ साइड पर एंड अपने फ्यूचर के मैं स्टार्ट किया है मैं लाइफ कोचिंग का भी शुरू कर लगी हाँ हूँ तुम सोचते होने भी इन्ने काम मैं किदा कर लैनी हाँ मैं थोड़े जे थानू अपनी जर्नी बारे दसना चाहनी हाँ तो हो सकता शायद थानू भी चंगा लगे तो तुम भी अपनी लाइफ के जो थानू चंगा लगता है तुहाडे जिहड़े पैशनस आ ड्रीम्स आ तुसी उन्हां नूं भी फॉलो कर सकते हैं सो मेरा जिहड़ा जन्म सीगा वो पंजाब दे विच होया सी मेरा असली पंजाबी नाम है बख्शल कौर खेरा एट द टाइम एंड मैं एक साल दी सी जदों असी इंग्लैंड विच आ गए सीगे पूरी फैमिली दे नाल उदों बाद दे विच व्हेन आई वाज 7 ईयर्स ओल्ड 1974 दे विच असी वैनकूवर आ गए सीगे विद माई होल फैमिली 1974 तो लग के मैं वैनकूवर विच ही रही हाँ एंड दैट इज़ वेयर आई ग्रू अप That is where I went to school, and that is where most of my life took place. So, jadon main choti hundi sigi 12 saalan di, mere man vich eh aaya ki main ki karna chahunni haan life de vich. Jadon apan school de vich jaanne haan, high school de vich, tuhanu counselors puchde haan, ek test hunda haan, tuhada career development te, tusi kehde field vich jaana chahunne haan. And udon to mera pehlo man siga vi main kise law de vich kaam karaan, law related. कानूनी तौर पर कोई काम होवे पहला तो मैं चाहती सी कि मैं वकील बना पर मैं लगा भी कर नहीं सकती क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करनी पैंती है एंड खर्चा भी काफ़ी उत्ते हो जाता है फिर मेरे मन में आया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहनी हाँ 12 साल की सी मैं ये नहीं सी पता भी कितना करना हो की वो होगा एंड मैं कर भी सकती हाँ ज नहीं पर मैं अपना ड्रीम एक लैके एक अपना पैशन लैके मैं उन्होंने फॉलो करती रही उस हिसाब मैं अपनी एजुकेशन की आई टुक क्रिमिनल जस्टिस आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा एट लैंगेरा इन वैंकूवर एंड आफ्टर दैट सो इन 1989 मैं सिख कम्यूनिटी विचों पहली सिख फीमेल सी जिहड़ी RCMP दे विच जॉइन किया सीगा उस टाइम ते मैनू भी माण महसूस हुंदा सीगा कि मैं अपनी कम्यूनिटी का नाम वड्डा कर सकती हाँ एंड उत्थे तक पहुँचने लिए भी मैनू बहुत कुछ करना पिया बहुत हर्डल्स दिखने पे पहला सी कि मैनू किसी की सपोर्ट नहीं सी जो मैं अपनी फैमिली नू दस्या सारे नू यही हुंदा सीगा भी एमी कर दी आ जिदा आप कह दें भी बच्चे कहिंदे ही आ इह किद्दां करूगी इह किद्दां कर सकती आ एंड दैन दूसरी गल सी कि अपनी पंजाबी कम्यूनिटी दे विच ज़्यादा यह हो जाता भी अपनिया कुड़ियाँ जे विआह कर लैन छेती तो उ वधिया हुंदा आ अपनी फैमिली दे नाल सैट होण सो एक ये भी हर्डल सीगा मेरे फादर ने ही मैनू कहा सी भी तू पहले विआह कर ला फिर तुसी जा सकदे जिथे भी जाना सो फिर मैं 19 ईयर्स सीगी आई गॉट मैरिड आफ्टर दैट आई जॉइन द RCMP आई वॉज स्वर्न इन एज अ कॉन्सटेबल ऑन August 29 ऑफ 1989 ते उस बाद मैं अपनी ट्रेनिंग ते गई हाँ RCMP ट्रेनिंग काफ़ी डिफिकल्ट सी हूँ भी आ पर उदों कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट सी क्योंकि हजे लेडीज जड़ियाँ सीगियाँ फीमेल ऑफिसर्स थोड़ा टाइम ही होया सीगा RCMP दे विच जॉइन कीते नूं तुहानूं शायद पता होगा भी इट वॉज 1975 वन द फर्स्ट फीमेल्स जॉइन द RCMP सो मैं चल पई अपनी ट्रेनिंग ते वह भी पूरी कर ली उत्थे भी मैनूं काफ़ी कुछ सुनना पिया जिहड़े मेरे नाल दे सीगे साडा जिहड़ा टीम सगा ट्रूप उन्होंने कहें
ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਐਡ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਮ ਸਾਡੀ ਏਜ ਕੋਈ 20-21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਐਂਡ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਡੂਕ ਐਲਬਰਟਾ ਐਂਡ ਲਡੂਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਦਰ ਰੀਅਲੀ ਹਿਊਜ ਚੈਲੇਂਜ ਫੋਰ ਮੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕਾਫੀ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਨਲੋਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ RCMP ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੋ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥੌਟ ਆਈ ਮੇਡ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੋਰਟਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਾਈਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਓਪਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਫੋਰ ਕਸਟਮਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਸਟਮਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਸਟਮਸ ਆਫਿਸਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਗਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਦ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਰੀਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ different I have worked in different positions I have worked at the airport the border in the marine division I've worked for headquarters and ode vich vi main kafi challenges dekhe ya and obstacles vi dekhe sige and in 2007 main utthe marine division de vich jehda hunda apne jithe ke bade bade ships te jaida hai jehde cargo containers hunde ya and I was the acting superintendent for a team of 15 people and I was out on the waters and looking after that marine unit ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਗਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਡਰ ਥਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ a huge challenge for me because I had to overcome my fear of heights and my fear of the deep water but I did it
क्यों किया? क्योंकि मैनू ये सगा कि कोई भी लाइफ के बच्चे मेरे सामने चैलेंज आ जाए उन्हों मैं पूरा करना ही करना आ। एंड हाँ जी, कुछ गल् होंदिया जो नहीं कर सकते, तुहाडी एबिलिटी नहीं होंगी, स्ट्रेंथ नहीं होंगी, तुहाडी केपेबिलिटी नहीं होंगी हैगी। बट मेरी सोच यह आ कि कोई भी काम अपने सामने आ जाए, कोई काम छोटा नहीं होंदा, कोई वड्डा नहीं होंदा, तुसी उन्हों ट्राई करो, ट्राई करते करते जिथे तक भी तुसी वो कर सकते हैं कोशिश करो। अपना एक एम बना लो, अपना पैशन गोल जिहड़ा होंदा आ उन्हों तुसी पूरा करो। सो दैन आप चैलेंजेस की गल करते हैं। मेरी लाइफ के बच्चे शायद तुहानू ये लगता होगा कि बहुत सौखी लाइफ आ, एडे वे वे काम कर दी हाँ। बट 2007 मेरे नाल एक बहुत वड्डा हादसा हो गया। मेरे हसबेंड की डैथ हो गई सी इन अप्रैल ऑफ 2007। एंड उस टाइम पर साढ़े चार बच्चे से बिटवीन द एजिस ऑफ 11 and 15, मेरे चार बेटे आ। एंड दैट टाइम जिदा मैं दस उदो मैं एक्टिंग सुपरिंटेंडेंट सी मरीन डिविजन के, तो मैनू इदा लग्या कि बस मेरी दुनिया खत्म हो गई है। बट फिर भी मैं अपने आप को समझाया एंड सोचा कि मैं हुण की कर सकती हाँ। फाइनैंशली भी सारा कुछ डिफिकल्ट हो गया सगा, एंड इमोशनली तो हो ही जाता है, बाकी टोटल लाइफ पार्टनर चल जाता, तो सोचते हैं भी हुण लाइफ नूं आपां किद्दां अगे चलावांगे, बच्चे भी छोटे आ, इन्हां नूं भी आपां देखणा आ। सो आई हैड टू स्टैंड अप फॉर माई सैल्फ। ठीक है, मेरी फैमिली की सपोर्ट सीगी एंड आई अप्रीशिएट दैट, बट ज़्यादा तो ज़्यादा जरा जो भी मैं किया मैं अपने पैरों पर खड़ के किया आ। मैं ये सोचन लग पी कि फाइनैंशली मैं अपने आप को किद्दां तकड़ी कराँ। सो हैविंग दीज गोल्स इन माइंड, हैविंग दिस पैशन इन माइंड एंड हैविंग दिस ड्राइव टू से दैट मैनू कोई नहीं रोक सकता किसी काम तो, एंड मैं अपने आप को इन्ना स्ट्रोंग कर लेना आ कि कोई भी चैलेंज मेरे सामने आ जाए, कोई भी हादसा इदा का मेरे सामने आ जाए, उन्होंने मैं बर्दाश्त कर सकती हाँ। मैंटली आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एनीथिंग दैट केम इन माई लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। सो लाइफ गोज ऑन। अज 14 साल हो गए, आई हैव बीन विदाउट माई हसबेंड, मेरे बच्चे मेरे नाल आ। इट्स बीन अ लवली जर्नी, इट्स बीन अ डिफिकल्ट जर्नी, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ द लाइफ दैट आई एम लिविंग। सो मैं थोड़ा ये दसना चाहती हाँ कि कुछ भी थोड़ी लाइफ के हो जाए, ठीक है, आपां नूं दुख हुंदा आ, आपां इदां सोचदे भी अगे कुछ नहीं गा लाइफ के आपां की कर सकते हैं, पर कदे तुसी हिम्मत नहीं हारनी हैगी, कदे तुसी ये नहीं सोचना कि लाइफ खत्म हो गई आ तो तुसी कुछ कर नहीं सकते हैगे, अगे चल के तुसी देखना भी तुसी की कर सकते हैं। बाकी ये भी हुंदा आ भी कई बार अपना करियर गोल हुंदा आ एक फील्ड के विच हुंदा आ, मान लो कि मेरा लॉ इनफोर्समेंट के विच सीगा, जरूरी नहीं जे तुसी ओही पूरा करना आ, जे तुसी ओ स्टार्ट कर लिया आ। मैं पुलिसिंग के विच स्टार्ट किया सीगा एंड मैनू चेंज करना पिया, बट दैट्स ओके। फिर भी मैं हजे अपने आप नूं लॉ इनफोर्समेंट के विच ही समझती हाँ, क्योंकि CBSA भी एक लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी हैगी आ। सो कई बार थोड़ा थोड़ा जहा कुछ चेंज करना पैंदा आ, पर ये नहीं कि तुहाडे ड्रीम्स ही खत्म हो गए आ, इदां ही तुसी चलते रहो, अपने आप नूं इंप्रूव करते रहो। सैल्फ इंप्रूवमेंट, सैल्फ रिस्पैक्ट, सैल्फ वर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप नूं कदे ना सोचो भी असी कुछ नहीं गए। सो दैट वॉज जस्ट अ क्विक सिनॉप्सिस ऑफ माई लाइफ एंड वेयर आई एम एंड वेयर आई एम गोइंग। तो जिहड़ा मेरा फ्यूचर आ, मैनू तो लगता भी मैं इदा ही चलती रहूँगी एंड जो भी मेरे सामने आता रहा मैं करती रहूँगी। एंड आई एम गोइंग टू बी रिटायरिंग होपफुली इन अ कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम द CBSA। जिहड़ा मेरा लॉ इनफोर्समेंट करियर आ उन्होंने मैं हम थोड़े साइड पर रखना चाहनी हाँ, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभाई है एंड इट्स बीन वेरी रिवॉर्डिंग। तो हुण मैं थोड़ा फोकस अपना बिजनेस पर करना चाहनी हाँ, चाहे वह साडा होटल का आ, चाहे मेरा लाइफ कोचिंग का आ, पर मेरा मेन गोल जिहड़ा ये आ कि मैं जिन्ना भी कर सकती हाँ किसी के नाल शेयर अपना struggles, अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, आई वॉन्ट टू शेयर एज मच एज आई कैन विद एज मैनी पीपल एज आई कैन, एंड होपफुली आई कैन इंस्पायर समबडी, यंग चिल्ड्रन, एनी बडी एट दिस पॉइंट। इट डजंट मैटर इफ यूर
single, or if you're married, if you're a woman, a man, anybody can really, I just want you to follow your dreams. You know, just know that you can follow your dreams. There's nothing in this world that you can't do. You just have to have the drive and the passion and the goal to do it. I hope you've enjoyed this, just a little glimpse into my life. And if you think that an immigrant family to aan ke aap sara kuch kar sakde ha, ye na socho ki vari main sundi ha sare keh dende ha jehde itthe bohne ha ja gore ha ohna nu jyada kuch milda ha kyunki ohna nu english puri hundi ha sara kuch ohna nu mil janda ha. That may be slightly true, but tusi apni mehnat karke apne naal apni koshish puri karo jinna vi tusi kar sakde ha. Success is different for everybody. ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂਵ ਇੰਜੋਇਡ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਜਰਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ